पासपोर्ट ऑफिस है, सामने दफ्तर है। तो जनाब गए अंदर, काम से पहले इन्होंने 4500 रुपए ले लिया। हाँ। और अभी ढाई महीने, दो से ढाई महीने हो गए हमें पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा, ये एजेंट्स जो बाहर खड़े होते हैं। हाँ। लेकिन जो मेन चीज है ना, अपने फीस जो है ना वो आपने खुद ही जमा करवाई। हमने कितने पैसे दिए? 12500 हमने दिया है। 3000 वाला फीस ये जमा करवा देंगे अंदर, और आपको बोलेंगे 4500 वाला आपका सिस्टम बना, 1500 वहाँ और 2000 यहाँ से, फिर उनकी तो दिहाड़ी बांध गई ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है। दूसरा व्लॉग है और आज हम जा रहे हैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। भाई सखावत के पास आया हूँ, तो अर्जेंट पासपोर्ट हमने बनवाना है, जिसकी जो ना अब तकरीबन 3 से 4 दिनों में हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी हमने अपना प्रोसीजर, वीज़ा प्रोसीजर शुरू करवाना है। ठीक हो गया दोस्तों? तो जितना हो सके जो है ना हमने अर्जेंट बनवाना है। तमाम प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, और फीस वगैरह तमाम प्रोसीजर जिसमें हर चीज़ आ जाएगी वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। बनवाने का मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ आमिर भाई का और सखावत भाई का, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आना है, और यहाँ पर मैं उनका वेट कर रहा हूँ। बाहर आया हूँ और आमिर भाई तो गए हैं। आ ये देखें, एक नवाब आ गया हमारा और दूसरा भी जनाब वो अभी आ जाता है। ठीक हो गया दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या हो रहा था? सोया हुआ था। टाइम देख, दिन कहाँ पे आ गया, हम सोए हुए थे, लेट आए थे। असल में रात का जो है ना ये मेरे पास ही थे, तो काफ़ी टाइम जो है ना इन्होंने मेरे साथ स्पेंड किया, इस वजह से अभी तक ये सो रहा था। ठीक, आ जा आमिर। हेलो, आ जा आ जा, सखावत बोल इसे, आ जा बोल ना, इसे बोल आ जाए। आ नहीं रहा, कहता है कहाँ ना मुझे घर में, क्या काम है इसे। सरपंच साहब, सरपंच साहब आ जाओ। नहीं आ ना, चल आगे भाई, आ जा ना, एक बोल है कर दे, आ जा आज। मेरी बेटी रो रही है। नहीं रोएगी, चाचू को पकड़ा दे, इसकी अम्मी कपड़े लेने। हाँ तो गई है ना, तो वो आ जाएगी, घंटे तक आ जाएगी। बेनमाजियों वाले उधर बांधने मत बना, और आगे चल। किसने डालना है? मैंने सुबह मैंने इसको कॉल की है, मैंने इसको कॉल की है कि यार आ जाओ, वापसी आना है ना, जस्ट लेट हो जाऊं। नहीं होनी लेट भाई, कल ले आप आते मौल सारा में। क्या कल? तो कल, कल का क्या काम? आज 2 बजे जो है ना वो क्या बोलते हैं पासपोर्ट ऑफिस बंद हो, बंद हो जाना, हमने वापस आ जाना। हाँ तो अभी निकलते हैं। हाँ तो निकलते हैं, तो आ जाएंगे। उधर क्या करना है, शाम तक थोड़ी बैठना। अजी मैं प्लीज समा देखो कितने, ये क्या कर रहे हो? कोई वीडियो नहीं। अरे आ जा प्लीज, आ जा यार, हो क्या, आ जाना अभी शाम तक, तुम्हारे चैनल की सारी सेटिंग हो जाए। असल में यार यहाँ पे तकरीबन सारे व्लॉगर्स हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत ले, आके कर लेंगे यार। चल चले हवेली पे आ जाना, फिर हम जा रहे हैं। माता आ जा, आ जा। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम जो है ना नेशनल बैंक में आ चुके हैं, और यहाँ से रसीद लेंगे। रसीद लेने के बाद उसको कर लेंगे पूर, ये चेक कर लें, ये काउंटर है जहाँ पे रसीद मिलती है, ये फीसेस वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, और यहाँ से रसीद लेके हमने फिल कर देनी है। ये सही नहीं हो गया, ये गलत पार्किंग इसने की हुई थी, तो अभी जो है ना ये लेके जा रहे हैं इसको, गाड़ी को। जी दोस्तों, रसीद हमने फिल कर ली, आप उर्दू में या इंग्लिश में लिख सकते हो, और अभी जो है ना काउंटर पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमने जनाब फीस जमा करवा देनी है, और यहाँ पे स्लिप वगैरह जमा करवा के फीस जमा करवा देनी। नेशनल बैंक का ये काउंटर है, ये जो है ना भाई गिन रहे हैं, और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना फीस हमारी जो है ना जमा हो चुकी है, ये देखें। ओके हो गया, बोरा वगैरह लाके चलो। पासपोर्ट ऑफिस है, सामने दफ्तर है। तो जनाब गए अंदर, हमने जो है ना पहले नेशनल बैंक में, वो आपको पहले हमने वीडियो दिखा दी है, वहाँ पे हमने जो है ना वहाँ पे हमने अपनी फीस जमा करवा दी है, भाई सखावत मेरे साथ थे। फिर अंदर आए, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 जो है ना मेरी फ़ोटो कापीज़ लगी हैं आईडी कार्ड की, और इसके बाद इन्होंने मुझसे मांगा है कि आपके पास अगर मैट्रिक की सनद है वो हमें दें, और अपना निकाह नामा दें, दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं।
तो ये मैं आपको आइडिया दूंगा, मशवरा दूंगा कि अगर आपने बनवाना है अपना पासपोर्ट बनवाना है तो आप ये दोनों चीज़ें चार पांच फोटो कापियाँ आपने साथ में ले लिया भाई। एक दो माँ जी मुझे मिली हैं, उनकी मैंने रहनुमाई की है। अच्छा, वो तो गए हैं बात सर। अच्छा, एक आई थी कि हमसे पहले इन्होंने 4500 रुपया ले लिया और अभी 2.5 महीने 2 से 2.5 महीने हो गए हमें पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा, ये एजेंट्स जो बाहर खड़े होते हैं कितनी दफा वो कहते हैं अंदर जाओ और जाकर चेक करो आपको मिल जाएगा, कहते हैं मैं इतनी दफा आई हूँ सफर करके आती हूँ लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। मतलब इनका मैंने फिर उसको दफ्तर का पता बताया, एंड पर जो अफसर बैठा होता है उसके पास गई है, उन्होंने बोला 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, काम हो जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर और काफी लोगों से पैसे लिए गए हैं, 1500, 2000, 1500, 2000, 1000, 1200। तो बताने का यही मकसद है ना कि अपने आप ने जो है ना कागजात जो है ना आपके क्लियर करके आए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं सारा से काम है तो उनका बेफानम लगेगा। तो तकरीबन हमने कितने पैसे दिए, 12500 हमने दिया है, फर्स्ट ट्रैक हमने बनवाया पासपोर्ट अपना 10 साल वाला 12500 और उसके बाद जो है ना 2000 इन्होंने मांगा है हमसे, लेकिन हमने 1000 में डील करके बंदे को ब्लॉक कर दिया। अगर आप भी जो है ना जुगाड़ लगाना चाहते हैं, मतलब है तो ये रिश्वत ही, अगर देखा जाए तो रिश्वत की हम तरकीब तो नहीं देंगे, हमें मजबूरी थी इस वजह से हमने जल्दी जल्दी जो है ना काम करवाया है। बाकी आप कोशिश करें, अगर आपने पैसे बचाने हैं तो 2000, 1500 आजकल आपको पता कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। तो जिसका काम सही चल रहा हो वो तो चलो बंदा कमा लेता है, तो जिसका काम ना सही चल रहा हो पैसे की कदर उसको पता होती है। ऐसी बात है, तो अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर आप अपने जो है ना सारे कागजात जो है ना वो मुकम्मल करें। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप भी हमारे तरह भी हमारी तरह जल्दी करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें कि 1000 रुपये 2000 इनको दें और जान छुड़वाएं, तकरीबन 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको काम क्लियर। लेकिन जो मेन चीज है ना अपनी फीस जो है ना वो आपने खुद ही जमा करवा, फीस खुद जमा हो सकता है उसमें ना डंडी मार ले, वहाँ से ये डंडी मार जाते हैं, फीस होती है कम और ये बताते हैं ज्यादा। हाँ, 3000 हमें भी तो ज्यादा बताया इन्होंने, 3000 वाला फीस व्हाट्सएप ये जमा करवा देंगे अंदर और आपको बोलेंगे 4500 वाला आपका सिस्टम बना, 1500 वहाँ और 2000 यहाँ से, फिर उनकी तो दिहाड़ी बन गई ना। उससे बेहतर है कि आप ऐसा करें कि आप खुद जाकर फीस खुद जमा करवाएं और बाकी जो है ना थोड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। फीस जमा होती है मेन ब्रांच जो है, चाहे जंग के हम तो जंग के हैं ना, तो जिस भी कंट्री के अंदर जिस सिटी में आप हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो नेशनल बैंक मेन ब्रांच जो है वहाँ पर फीस जमा होती है, वहाँ से फीस वॉट चलें और उसको जमा करें, जमा करके फीस जमा करवा के यहाँ पर आ जाएं, दो पेपर मिलते हैं फीस वाले वो इनको दिखाएं, साथ में कॉपी लगाएं, बस आपका काम कर लिया। ये हमारा क्लियर हो गया और अभी ये हमारी गाड़ी है और अभी हमने क्या ये जनाब अभी हमने शेक पीना, भूख बहुत। हाँ, शेक पीना, शेक से काम चल जाएगा, चल काम ही चलाना है, बाकी घर जाके कोटा पूरा करें। शेक होता है हमारा वो खजूर वाला, खजूर वाला। तो अभी जनाब इसको कर लेते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करने के बाद मैं ही चलाऊंगा आपसे। ये फरारी ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। ये देखें जी हमारी गाड़ी है ये, और इसमें अब और उम्मीद मुझे ये है कि आपको जो है ना तसल्ली वाली वीडियो हमने दिखा दी है, कॉल आ गई है, बाकी जो है ना तसल्ली करवा दी हमने, डिटेल आपको मुकम्मल दी है। वीडियो को एंड तक आपने अगर देखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है आप तक पहुँचे।